खबर जबलपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर के रांझी क्षेत्र में सातिर बदमाश राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। 3600 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास के साथ ही 14 प्रकरण दर्ज है। जबलपुर कलेक्टर इलैया राजा और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ के साथ मिलकर बदमाश के कब्जे को तोड़ने की रणनीति बनाई। तहसीलदार रांझी श्याम नंदन चंदेले के मुताबिक मोहनिया के संजय नगर कॉलोनी रांझी निवासी राघव भूषण उर्फ मोंटी सोलंकी ने 3600 वर्ग फीट शासकीय जमीन पर कब्जा कर 10 लाख रुपए की लागत से अवैध निर्माण करा लिया था। सीएसपी रांझी एमपी प्रजापति के मुताबिक राघव भूषण एक सातिर बदमाश है। उसके खिलाफ दो हत्या के प्रयास सहित अवैध वसूली, बलवा कर मारपीट, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ आदि के 14 प्रकरण रांझी सिविल लाइन आधारताल मदन महल बरेला थाने में दर्ज है। उसके आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने बुलडोजर लगवाकर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। वहीं विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया, टीआई रांझी विजय सिंह परस्ते, टीआई घमापुर जी आर चंद्रवंशी के साथ ही खमरिया का बल और पटवारी रूपेश ताम्रकार नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता प्रभारी सागर बोरकर अमले के साथ मौजूद रहे। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।